हाय फ्रेंड, घर पे सुबह कुछ काम करना पड़ता है, सो इसीलिए हम चल रहे हैं थोड़ा सुबह में कुछ काम कर लें। फ्रेंड, आपको हम दिखाते हैं क्या काम करना है। सुबह सुबह यहाँ पे कोई सब्जी तोड़नी पड़ती है खेत से, सब्जी की खेती होती है हमारे यहाँ, सब्जी बोया गया है। आपको ले चलते हैं खेत पे, दिखाते हैं सब्जी कैसे तोड़ी जाती है और क्या क्या तोड़ते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं सब्जी की खेती। सुबह इसी खेत से सब्जी तोड़े हैं हमने ना, जो दिख रहा है तो दिख रहा है सब, सारा दिन बोया हुआ है। ये भाई मेरा आ रहा है दौड़ते हुए, भूल गया था उसी को लेकर आ रहा है। क्या भूल गया था? ये भूल गया था खेत में उसी को लेकर आ रहा है। फ्रेंड, हमारे गांव में बहुत ही सब्जी बोई जाती है, लगभग 85% लोग सब्जी की खेती करते हैं। अलग अलग खेती करते हैं, सो कोई किस कोई दूसरी फसल की तो कोई दूसरी फसल की, सब लोग खेती करते हैं अलग अलग। देखिए फ्रेंड, जो लाइन वाइज खेती की गई है ये हम आपको दिखा रहे हैं, लाइन वाइज खेती, सब लाइन वाइज खेती की गई। लाइन वाइज खेती करने का फ़ायदा फ्रेंड ये है कि हम लोग एक जगह से पानी खोल देते हैं, सो पूरी लाइनों में पानी चला जाता है। आधे घंटे लगते हैं, आधे घंटे में पूरी सिंचाई हो जाती है खेत में, और यहाँ धूप में खड़ा भी नहीं रहना पड़ता है। खोल दिए हम लोग पानी, खोल करके अपना छाँव में कहीं चले जाते हैं, वहाँ पेड़ की छाँव में चले जाते हैं। तो फ्रेंड, आम का पेड़ है, मैं रखे लगा रहा हूँ, वहीं पर छाँव में बैठते हैं और पूरी खेत की सिंचाई हो जाती है। आधे घंटे में एकदम, आधे घंटे में पूरी खेत हो जाती है। जी तो ये है, अब चलते हैं घर पे, थोड़ा ब्रश व्रश कर ले, घर पे चल रहे हैं थोड़ा ब्रश करने। बस करके कुछ नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता करने के बाद थोड़ा कुछ काम भी अभी बचा है उसको भी करना है। ये हमारा छोटा भाई, ये भी साथ में लगा रहता है काम करने के पीछे, एक और छोटा भाई ये भी साथ में रहता है काम करने के लिए। और काफ़ी दिनों से, जैसे कि दोस्तों कोरोना की वजह से स्कूल बंद है तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, घर पे ही थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेता है। फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा भाई, दोनों एक ही शर्ट पहने, एक ही कलर का,
ये भी सुबह का नाश्ता कर रहा है, ये भी हमारे साथ काम करने जाएगा। ये एक है, ये भी सुबह का नाश्ता कर रहा है। सुबह सुबह नाश्ता करके अब हम लोग चलेंगे साथ में कुछ काम करने।